दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं धनबाद, झारखंड की आर्थिक राजधानी कोयलांचल। हम लोग धनबाद जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे पीछे मुन्ना जी हैं और ये ड्राइविंग सीट पर लाल बाबू, हमारे पुराने मित्र लाल बाबू हैं। और देखिए लाल बाबू बहुत दिन बाद मिले हैं और ये हम लोग जा रहे हैं अभी CNG भरवाएंगे इधर जाकर के दुल्हिन बाजार, चूंकि आरा में CNG वगैरह का व्यवस्था अभी नहीं है तो दुल्हिन बाजार देखिए हम लोग जा रहे हैं, वहां से CNG लेंगे और फिर धनबाद के लिए निकलेंगे। पटना में कैसे बा? दोस्तों अभी हम लोग CNG गाड़ी में भरवा करके रिफिल करा करके और यहाँ से दुल्हिन बाजार से चल दिए हैं धनबाद के लिए अभी। और ये हम लोग अभी रुकेंगे उद्वंत नगर में और वहाँ उद्वंत नगर में जो फेमस वहाँ खुरमा है वो खाएंगे और जहाँ जा रहे हैं उनके लिए लेंगे और तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये देखिए 4 लेन जो रोड बना है आपको, ये मोहनिया और आरा का इतना सुंदर रोड बना है, सुंदर रोड बना है ये किसी देश की तरक्की में रोड का क्या योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर में, यही हम लोग अभी बात कर रहे थे। हर तरफ काम हो रहा है आपको, इधर देखिए इधर आरा मोहनिया वाला रोड बन रहा है, उधर पटना बक्सर वाला रोड बन रहा है 4 लेन, ये 4 लेन बन रहा है, हर जगह काम हो रहा है, इतना सुंदर काम हो रहा है इसका जवाब नहीं है। 2 घंटे का रास्ता हम लोग 1 घंटे में जा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर रोड लग रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए हम लोग उद्वंत नगर आ गए हैं और यहाँ से छेना का खुरमा लेंगे। ये उद्वंत नगर है गांव और यहीं से हम लोग खुरमा ले करके और खा करके अभी अब निकलने वाले हैं। देखिए यही सामने दुकान है, यहीं से खुरमा लिए हैं, ये सामने आपको दुकान दिखाई दे रहा है, यहीं से लिए हैं हम लोग खुरमा, यहाँ का प्रसिद्ध है छेना का खुरमा, वही लेकर के अब हम लोग। दोस्तों ये सहारा और अरवल का पुल है जो सोन नदी में बना हुआ है और देखिए ये सावन में सोन एकदम सूखा हुआ है, मेन सावन में है, ये सोन एकदम सोन में पानी नहीं है और इसी पुल के रास्ते हम लोग जा रहे हैं। इधर से अरवल निकलेंगे और अरवल से आपको औरंगाबाद होते हुए फिर हम लोग GT रोड पकड़ेंगे औरंगाबाद में। और हम लोग आ चुके हैं औरंगाबाद जहाँ ये सीमेंट का प्लांट है, श्री सीमेंट, सीमेंट के प्लांट के लिए फेमस है औरंगाबाद। एक समय यहाँ आतंकवाद के लिए बड़ा ये प्रसिद्ध हुआ करता था और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन, जो कि शहर से बहुत दूर है। और ये आपको देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, ये सीमेंट का प्लांट है, यहाँ बहुत गाड़ियों का एंगेजमेंट है, बहुत बड़ा रोजगार का ये हब है सीमेंट प्लांट, और बिहार के लिए बड़ा ये अच्छा चीज़ है और यहाँ बहुत सारे लोगों को और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक के लिए बड़ा ये रोजगार का साधन है। श्री सीमेंट जंगरोधक सीमेंट यहाँ बनता है, देखिए सामने ये फैक्ट्री दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर प्लांट है और ये बहुत ही सुंदर है आरा के, ये आपको बिहार के लिए बहुत अच्छा है, रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध है। और इस समय जब ये लोगों का रोजगार को ज़रूरत है, लोगों को रोजगार की, तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा ये है और ये अंदर से भी बहुत बढ़िया है,
कभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अंदर से भी बढ़िया वर्कर्स जो यहाँ काम करते हैं उनके लिए क्वार्टर बना हुआ है, तो ये अंदर से भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और रहने वगैरह के लिए बड़ा बढ़िया साधन है। यहाँ जो यहाँ लोग काम करते हैं उनके लिए सुविधाजनक है। दोस्तों हम लोग जीटी रोड पर आम्बस पहुंच गए हैं और यहाँ फास्ट टैग हमारी चूंकि नई गाड़ी है और इसमें हम लोग फास्ट टैग लगवा रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबू? नीतीश। अच्छा, ये नीतीश जी हैं और ये फास्ट टैग लगाते हैं। नीतीश जी आप बोलिए, कहाँ आपका बताइएगा, कुछ बताइए। आम्बस में है नीतीश जी और ये यहाँ फास्ट टैग लगाते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों को CNG मिल गया ये GT रोड पर आपको। अभी की स्थिति ये है कि आप अगर CNG गाड़ी रखे हैं तो बड़ा मुश्किल से आपको CNG मिलता है, जहाँ तहाँ बहुत दूर दूर पर कहीं कहीं मालूम कराने पर। शेरघाटी में हम लोग ये CNG लेकर के और अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी कितना देर चलता है CNG इसका। अब आगे हम लोग देखते हैं कहीं होटल होगा तो खाना वगैरह खाएंगे, इसलिए कि सब लोगों को भूख लग गया है और खाना भी खाना है। CNG ले लिए तो ये हो गया 6.5 किलो यहाँ CNG आया है। और यहाँ गाड़ी का देखिए एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा संभल के चलाना है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं खाने के लिए होटल पर। देखिए इनका खाना कैसा होता है और बड़ा मुश्किल से ये होटल एक तो दिखाई दिया बढ़िया, जहाँ हम लोग आए हैं खाने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, देखिए इनका खाना कैसा होता है। दोस्तों अभी हम लोग शेरघाटी में ये लाइन होटल है चैन बसेरा, ये चैन बसेरा में हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये देखिए मुन्ना जी और लाल बाबू और हम, बहुत जोर से हम लोग को भूख लगा है और खाने में हम लोग ऑर्डर दिए हैं तवा रोटी और पनीर कढ़ाई और पनीर दो प्याज। अब देखिए इनका खाना कैसा है नहीं है। और यहाँ सुने हैं कि बस वगैरह अभी रात को लगती है आरा से, इधर से आती है रांची से, तो खाना वगैरह तो इनका अच्छा होगा। अब देखते हैं खाना कैसा है, अब देख और उसके बाद बात करते हैं। खाके शेरघाटी से और ये होटल से, खाना कोई खास इनका बढ़िया नहीं था, सो एंड सो खाना उतना बढ़िया इनका नहीं था। अब जितना हम लोग सोच रहे थे उतना अच्छा इनका खाना नहीं था, लेकिन अब भूख लगा हुआ था हम लोगों को तो थोड़ा सा मानसिक संतुष्टि हुआ और ये खाना खा के हम लोग अभी निकल गए हैं GT रोड पर। और यहाँ से खाना खा करके हम लोग और निकल गए हैं ये अपने अगले पड़ाव के लिए धनबाद जाने के लिए। और यहाँ से जंगलों और पहाड़ों का आनंद लेते हुए रोड का साइड सीन आपको दिखाते हुए हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और आप भी देखते जाइए हमारे साथ, कितना बढ़िया दृश्य है आपको ये रोड का, जंगल का, पहाड़ का।
और इसका आनंद लेते हुए हम लोग यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और ये देखिए आप भी इसका आनंद लीजिए और इस ब्लॉग में इतना ही। आगे कल हम आपको दिखाएंगे फिर और हमारे साथ आगे क्या हुआ, हम लोग कहाँ रुके, किस होटल में रुके और उसका खाना वगैरह कैसा था, ये सारा चीज़ हम कल आपको दिखाएंगे। तब तक आप इस ब्लॉग को देखिए और आगे का आनंद लीजिए। We'll be right back.